दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बॉलीवुड में खुलासे तो हर रोज हो रहे हैं और बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा और यही सबसे बड़े दुख की बात है। एक और एक्ट्रेस है जिनका नाम है लवीना लोथ, जो सामने आई है और सामने आकर उन्होंने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, और ये खुलासा जो है वो सीधे सीधे जुड़ा है महेश भट्ट और उनके भांजे सुमित सबरवाल के साथ। सबसे पहले ये बता दूं कि लवीना लोध है कौन। लवीना लोध ने हिमेश रेशमिया के साथ साल 2010 में फिल्म कजरारे से बॉलीवुड में एंट्री की थी, और इस फिल्म का जो डायरेक्शन था उसे किया था महेश भट्ट की लड़की पूजा भट्ट ने। तो लवीना लोध का ये कहना है कि वो महेश भट्ट के जो भांजे हैं सुमित सबरवाल, उसके साथ वो तलाक लेने की अर्जी डाल चुकी है, और तलाक लेने की बात वो इसलिए कर रही है क्योंकि सुमित सबरवाल के बारे में उन्हें जो बातें पता चली है उस बात से वो बहुत शॉक्ड है। उनका ये कहना है कि सुमित सबरवाल बॉलीवुड के जो भी कलाकार हैं उन्हें ड्रग सप्लाई का काम करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने दो एक्ट्रेस का भी नाम लिया है जो एनसीबी की लिस्ट में पहले से ही शामिल है, जिनका नाम है सपना पब्बी और अमायरा दस्तूर। ये दोनों ही एक्ट्रेस एनसीबी की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं, जिनसे जल्दी ही पूछताछ होने वाली है। तो लवीना लोध का ये भी कहना है कि ड्रग्स सप्लाई का काम तो उनके पति करते ही हैं, साथ ही साथ वो लड़कियां सप्लाई करने का भी काम करते हैं। और ये जो बातें उन्होंने लवीना लोध ने कही है, उनका ये भी कहना है कि इस बात की जो जानकारी है पूरी की पूरी वो महेश भट्ट को अच्छी तरह से पता है, और महेश भट्ट जो है वो बॉलीवुड में सबसे बड़े किंग है। बॉलीवुड में किसके साथ क्या करना है, कब करना है, किसको हटाना है, किसको नौकरी देनी है, किसको नौकरी से निकालनी है, ये सब कुछ महेश भट्ट के हाथ में है, या सीधे तौर पर कहें तो बॉलीवुड में महेश भट्ट बहुत ही बड़े डॉन है। लवीना लोध का कहना है कि महेश भट्ट जो है वो पूरे के पूरे बॉलीवुड सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। जो भी उनके खिलाफ नहीं चलता है, जो उनके हिसाब से काम नहीं करता है, वो उन्हें रास्ते से हटा देते हैं, उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं। इस तरह की बातें लवीना लोध का कहना है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो लवीना लोध ही जानती होंगी, या फिर उनके पति सुमित सबरवाल, या फिर महेश भट्ट। लवीना लोध ने ये जो भी बातें कही हैं वो सीधे सीधे उन्होंने वीडियो में आकर बातें कही हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसका फेस छिपाया गया हो या ब्लर किया गया हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो लवीना लोध खुद सामने आकर इन सभी बातों को मीडिया के सामने सोशल मीडिया पर लाकर उन्होंने लाकर रख दिया है। लवीना लोध का तो ये भी कहना है कि महेश भट्ट के एक कॉल पे लोगों की नौकरी चली जाती है, उन्होंने मेरे खिलाफ भी कई एक्शन लिए हैं, मैं जब भी उनके खिलाफ पुलिस में एनसी करने जाती हूँ तो मेरी बात नहीं सुनी जाती, अगर एनसी लिख भी दी जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यानी सीधे सीधे तौर पर लवीना लोध जो है वो ये कहना चाह रही है कि महेश भट्ट बहुत ही शक्तिशाली इंसान है, वो किसी को भी अपने तौर तरीके से अपने इशारों पर अपने हिसाब से नचाने का काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि लवीना लोध ने ये भी कहा कि कल को मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें हमारी जान चली जाती है तो इसके सीधे सीधे जिम्मेदार होंगे महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, सुमित सबरवाल, साहिल सहगल और कुमकुम सहगल, ये सभी के सभी जिम्मेदार होंगे अगर उनके परिवार के साथ कोई भी ऐसा हादसा हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप सभी की क्या राय है, आपको क्या लगता है, लवीना लोध जो है वो सही बोल रही हैं या वो किसी और तरीके से महेश भट्ट के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हैं, या वो लाइमलाइट में आना चाहती हैं, जो भी है आप कॉमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है। क्या वाकई में महेश भट्ट इंडस्ट्री में सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अपने तौर तरीके से अपने इशारे पर नचा सकते हैं, वो जो कहते हैं वही कुछ होता है, अगर उनके हिसाब से कोई काम नहीं करता तो उस इंसान को नौकरी से निकाल दिया जाता है या उसके साथ कुछ और भी हो जाता है। तो इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए, आपकी बात मुकेश के साथ, धन्यवाद।